बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुमामीन। और आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, वरना समझते तुसी गए होगे। आहो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 1 मिलियन जो है सनफ्लावर थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ पे इंज लग रहा सी अजी असी खेता जो आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स थे। वैसे तो ये जब सितंबर स्टार्ट हुआ था उस वक्त से यहाँ पे ये हैं, लेकिन हम लोग उस पहले नहीं आए, हम लोग बाद में आए हैं, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो थे वो ब्लूम में थे। अभी थोड़े से वैसे नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फॉल आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग सितंबर के स्टार्ट में आते, जिस वक्त ये यहाँ पे इन लोगों ने ओपन किया था सितंबर के स्टार्ट में, तो उस वक्त जो था ये काफ़ी अच्छा था देखने के लिहाज से। अभी भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके, बड़ा मज़ा आया। Yes, kids. Tell me, what are you feeling here? I'm feeling so happy. Me too. You too, Fatima? Yeah, I'm feeling so good. Okay, and Shahir? Good. And Hadi, where are you, Hadi? Why are you? बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं जब डिफरेंट जगहों पर लेके जाएं उनको, तो वैसे भी छोटी सी लाइफ है, उसको खुशियों के साथ और इन्जॉय करके गुजारना चाहिए। आपको हर पल जो अपनी लाइफ का, इसको ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। और बच्चों के लिए तो जो है आपको ज़रूर टाइम निकालना चाहिए कि उनको लेके जाएं, ताकि वो जो है थोड़ा सा उनका माइंड भी चेंज हो, बच्चों का वो खुश भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं समझती हूँ जब हम इस तरह एक साथ मिलके बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग अच्छी बनती है। और आज जो बात मैं सदका जारी की नीयत से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, छोटी सी एक बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जब भी आप अपने घर में दाखिल हों कहीं बाहर से, तो जब भी आप अपने घर को दरवाजे को बंद करें, उसको लॉक करें, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करें, लॉक करें, उससे ये होता है कि शैतान जो है वो घर में दाखिल नहीं होता। इसी तरह जब आप दरवाजे को लॉक करके घर से बाहर निकलें, तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो लॉक लगाएं, तो इंशाल्लाह शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। मेरी इस बात को सदका जारी की नीयत से आगे भी फैला दें, ताकि जो भी इस पर अमल करे उसको भी इसका अजर मिले और हम बताने वालों को भी इसका अजर मिले इंशाल्लाह। इधर बच्चे किसी चीज़ तो डरते ही नहीं कि यानू भी हाथा न फड़ लेंदे ने। ये देखिए यहाँ पे लेडी बग जो थी वो बच्चों ने पकड़ ली और बड़े मज़े से जो थे सारे बारी बारी अपनी टर्न का वेट कर रहे थे कि अब हमने पकड़नी है, अब हमने पकड़नी है। तो यहाँ पे जो है बच्चे काफ़ी ब्रेव होते हैं और हाथों में कभी स्नेल पकड़ रहे हैं, कभी वॉर्म पकड़ रहे हैं, कभी लेडी बग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं बच्चे यहाँ पर पकड़ते रहते हैं हाथ में और बहुत खुश होते हैं पकड़ पकड़ के। और जी जब वहाँ से वापसी पे जब हम लोगों ने फ्लावर्स देखे, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने लिए लिया था ये चाइनीज़ लिया हम लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा चाइनीज़ मुझे लगता है, तो ये लिया था हम लोगों ने, मंचूरियन राइस, फ्राइड राइस, और ये था चिकन और श्रिम्प चाउमिन था ये, उसके अलावा चिकन कॉर्न सूप था और हॉट एंड सॉर सूप था और चिकन मंचूरियन था। तो हमें यहाँ का चाइनीज़ बहुत पसंद है इस रेस्टोरेंट का, और चॉपस्टिक हाउस इसका नाम है इस रेस्टोरेंट का, मुझे बहुत पसंद है यहाँ का चाइनीज़ जो है वो अपने स्टाइल का होता है, ज़रा चटपटा किस्म का। असी चाइनीज़ नू भी चाइनीज़ की तरह नहीं खाते, देसी स्टाइल नाल खाते हाँ। देखिए फुल तेज बारिश हो रही है, बारिश हो, धूप हो, स्नो हो, सब काम करने पड़ते हैं। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हादी ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, स्पाइडरमैन। और ये देखे
फिल्टर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी जाना तो है। यहाँ पे जब स्नो होती है उसमें भी बच्चे इवन स्कूल जा रहे होते हैं, तो बारिश वगैरह होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो बारिश में भी सब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते ही हैं और पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे भीग भीग के उनको लेने के लिए जाते हैं। यानी बारिश होना इधर कोई बड़ी गल नहीं है, छोटी सी गल है। तो जी बच्चों को स्कूल से लेने के बाद मैं घर आके बना रही थी बर्गर, शामी कबाब बने हुए होते हैं तो इस तरह फिर बच्चों के लिए मैं कभी कभी इस तरह बर्गर बना देती हूँ। साथ में मैंने ये चटनी बनाई थी, इसमें मैंने धनिया पुदीने की चटनी, ग्रीन चटनी, मायनीज और साथ में मैंने दही मिक्स कर लिया था, ये सॉस बना ली थी, साथ में केचप, शामी कबाब, अंडा रख दूंगी और खीरे वगैरह। तो इस तरीके से बच्चे खा लेते हैं। आजकल के बच्चे बड़े नखरेबाज हो गए, चूजी बहुत है ना, तो फिर समझ नहीं आती कि क्या बनाए उनके लिए। तो यहाँ पे जो है मैं उनके लिए इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बर्गर बना लेती हूँ और साथ में मैंने जो है वो फ्रेंच फ्राइज बनाए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो फिर इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है वो खा लेते हैं फिर भी, वरना जो आजकल के जो बच्चे हैं वो सब्जियाँ दालें इन सब चीज़ों में बड़ा ही तंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है बर्गर और साथ में फ्रेंच फ्राइज जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो एक शेर आपको मैं सुनाना चाहती हूँ, आमद हो गई है जी, इरशाद कर देती हूँ। साहिल पे रहने दो मुझे तैरना नहीं आता, साहिल पे रहने दो मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगी तुम्हारी मोहब्बत के समंदर में। वाह 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 क्या बात है। और यहाँ पे हमारे बर्गर जो है माशाल्लाह से वो रेडी हो गए हैं, अब हम इनको एंजॉय करेंगे। और यहाँ तक ही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के जरिए मुझसे अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो इनकरेज करते हैं कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूँ। फिर दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।